मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने आज मनावर विधानसभा क्षेत्र में सरदार सरोवर से डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। डूब क्षेत्र में डूब प्रभावितों से हालचाल जाना और समस्याओं के हल संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। सरदार सरोवर डूब प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंचे नर्मदा विकास प्राधिकरण मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा व संबंधित अधिकारी के साथ मंत्री जी ने सरदार सरोवर डूब प्रभावित गांव में जाकर ग्रामीणों से समस्याएं जानी। जिनके घर डूब रहे हैं, खेत प्रभावित हो रहे हैं, उनका सर्वे नहीं हुआ, जिसको लेकर चिंता जताई। संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया कि गाँव में चौपाल लगाकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों का सर्वे कराकर उन परिवारों को तुरंत मुआवजा सूची में नाम जोड़कर उन्हें तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। मंत्री जी, ये बताया आज दौरे में आपने जिन लोगों के मुआवजा नहीं मिला है, उनके मकान डूब चुके हैं, आपने पूरा सर्वे कराया, उसके बारे में बताया आपकी कितनी असुविधाएं हैं। देखिए, विगत 15 वर्षों में जिस तरह से पिछली सरकार ने सर्वे किया और जो तथ्य प्रस्तुत करे, जिससे निर्णय जो मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने लिए, नहीं नहीं जीरो बैलेंस, पूरा पुनर्वास हो गया है, लोग निवास नहीं करते हैं, पर जब स्थिति अब अभी मध्य प्रदेश में जो बनी है आपके सामने स्पष्ट है, मैंने भी देखा है कि जो उन्होंने जानकारी पिछली सरकार ने दी है बिल्कुल गलत जानकारी दी है। ज़्यादा लोग प्रभावित अब हो रहे हैं। गुजरात सरकार से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनसे भी आग्रह हमने किया है, NCMA हमने अपनी बात रखी है कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, पुनर्वास अभी बहुत सारा बाकी है। तो गुजरात की सरकार तो सहयोग कर नहीं रही है। सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि जो पिछली सरकार ने जो तथ्य प्रस्तुत करे वो बिल्कुल गलत करे। अब आप दो दिन पहले, कल की बात है, गुजरात के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दो साल पहले ही हमने पुनर्वास का पैसा दे दिया। तो दो साल पहले जब पुनर्वास का पैसा दे दिया और वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी उनको काम करना था, उन्होंने काम किया नहीं, तो उनकी सरकार को गुजरात के मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। ये बात हम लोग कह रहे हैं कि गलत जानकारी पिछली सरकार ने दी है, पर अब जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है, हम मध्य प्रदेश की जनता डूब प्रभावित लोगों का अहित नहीं होने देंगे। हमने निर्णय ले लिए हैं, सभी को हम लोग जो डूब प्रभावित क्षेत्र में लोग हैं, कैफियत का जो खेल चलता रहा उसको बंद करेंगे, 580 की पात्रता जिन लोगों को उनको देंगे, और जो जगह टापू बन गई है उनका भी सर्वे किया जाएगा, उनको भी पात्रता आती तो उनको भी दिया जाएगा, जहाँ रोड बनने हैं वहाँ रोड बनेंगे, जब पुलिया बननी है पुलिया बनेंगे, खेत डूब गए हैं तो उनको भी सरकार पात्रता सूची में ला के उनको भी पूरा लाभ देगी। और इस मामले को पूरा मानवीय दृष्टिकोण से गुजरात सरकार को देखना चाहिए। इस तरह से हम नहीं कह सकते कि गुजरात में वो चाहते हैं कि हमारी योजनाएं बनी, हमको पानी की आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश के लोग डूब रहे हैं और आप योजनाओं को सफल बनाने में लगे तो इस तरह से आपको मानवीय भाव नहीं दिखता। मंत्री जी, ये बताएं, कल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल जी आए थे, उन्होंने शब्द बोला था कि नर्मदा घाटी विकास मंत्री जो बाहर विदेश घूम रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, रंजना बघेल जी छतर सिंह दरबार के बारे में क्या बोल रहे, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। और मेरी विदेश यात्रा जब मेरा जाने का था तब मध्य प्रदेश में कहीं डूब प्रभाव नहीं था, उसके पहले बड़वानी में मैं डूब प्रभावितों से मिला हूँ, डूब प्रभावित क्षेत्र का पूरा मैंने दौरा किया है, और मेरे वहाँ जाने के बाद यहाँ पे डूब आ गई। मध्य प्रदेश के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब लोग लगे रहे, और आपको दिख रहा है आज ग्राउंड लेवल पर भी सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और मैं वहाँ से आने के बाद NVDA कार्यालय इंदौर में सब डूब प्रभावितों से मिला हूँ, आज दौरे पर आया हूँ। रंजना बघेल क्या कहती है नहीं कहती उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।